दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप अपने मोबाइल से किसी भी ऑनलाइन ट्रेन का टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि अभी जो है फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और साथ में लॉकडाउन भी है, सारी ट्रेनें बंद है, कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। अगर आपको कहीं जाना है और आप भी टिकट बुकिंग करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है कोई स्पेशल ट्रेन के लिए वीडियो नहीं है। आप ऑल जनरल जो है कोई भी ट्रेन का जो रिजर्वेशन इसी प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन में टिकट बुकिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा एप्लीकेशन है और उसको यूज़ कैसे करना है। आइए एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा होल प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन पे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है IRCTC। इसको आपको प्ले स्टोर पर आकर यहाँ पर सर्च करना है IRCTC, ठीक है। और ये ऑलरेडी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो सिंपली इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन कर देना है। उसको ये जो है ऐप ओपन हो जाएगा और इसका इंटरफेस कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो ऑप्शन दिया गया है इसको आपको जाना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाकर आप प्रॉपर तरीके से एक टिकट को जो है बुक कर पाएंगे। तो आइए इस ऑप्शन को थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए लिखा है प्लान माय जर्नी। इसका क्या मतलब है, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाना चाहते हैं तो उस जगह जाने के लिए कितने ट्रेन जो है अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे सर्च ट्रेन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है माय बुकिंग्स। तो माय बुकिंग्स के अंदर क्या दिखाई देगा, आप जितने भी टिकट्स आप बुक करेंगे तो माय बुकिंग्स के अंदर उसका डिटेल्स जो है दिखाई देगा। थर्ड वाला है PNR इंक्वायरी। अगर आपने PNR इंक्वायरी तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर आपने कोई टिकट बुक कर लिया है और अगर आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपका सीट कंफर्म हुआ या फिर RAC है, ठीक है, तो PNR नंबर डाल के आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कैंसिल टिकट। अगर आपने कोई टिकट बना लिया और आपका प्लान कैंसिल हो गया और आप उस टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन से आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बगल वाला ऑप्शन जो है रिफंड हिस्ट्री, आप जो कैंसिल कर देंगे आपको जो मनी रिफंड मिलेगा वो इस वाले सेक्शन के अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और एक एक टिकट बुक करने का पूरा एक एक प्रोसेस को अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले प्लान माई जर्नी पर आपको आना है। उसके बाद आपको कौन से जगह से कहाँ तक जाना है आपको यहाँ पर डालना है। तो पहले हमने यहाँ पर फॉर्म में डाल दिया धनबाद। मान लीजिए हमको धनबाद से जाना है कहाँ टू कहाँ पे, तो मान लीजिए पटना, सपोज कीजिए पटना। और नीचे आपको एक कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ टच करके आप जिस भी डेट को जाना चाहते हैं, तो सपोज़ कीजिए मुझे जाना है 20 तारीख को, ठीक है, मैंने 20 तारीख सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए नीचे में कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये देखिए लिखा है ऑलरेडी टिक है फ्लेक्सिबल विथ डेट, इसका क्या मतलब है, तो आप 20 तारीख को आपको जाना है, अगर 20 के कुछ दिन बाद भी 21, 22 या 23 को अगर कोई सीट अवेलेबल होगा तो या नहीं भी होगा तो वो 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी आपको दिखाएगा, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे चेक है। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन है दिव्यांग कंसेशन। अगर आप फिजिकल हैंडीकेप्ड है या फिर कोई है और आप उसके लिए कंसेशन चाहते हैं तो आपको इस वाले पर टिक करना होगा। उसका तीसरा वाला जो है यहाँ पे कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग। अगर मान लीजिए आप जहाँ पे जिस जगह भी जा रहे हैं वहाँ डायरेक्टली अगर आपका गाड़ी नहीं है, आपको कहीं से गाड़ी बदल के जाना होगा, तो आप इस वाले पे जो है टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है, आपका ट्रेन जो है सर्च होगा। अभी यहाँ पर ट्रेन सर्च होकर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको ट्रेन पर सर्च करना है और नीचे टच करना है। उसके बाद नीचे आपको जो है क्लास दिखाई देगा। तो मान लीजिए कि हमको स्लीपर क्लास में जाना है तो SL में यहाँ पर टच हमको करना है। ऐसे में टच कर लिया, अभी देख सकते हैं ये सारा का सारा ग्रीन है, इधर अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल, मतलब हर दिन किसी भी 20 से लेकर 25 तारीख तक हर दिन मेरा जो है सीट अवेलेबल है। मैं जिस दिन भी बुकिंग करूँगा उस दिन मेरे को सीट कंफर्म मिल जाएगा स्लीपर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 20 तारीख को कितना 451 ठो सीट है, 21 तारीख को 302 को सीट है, 22 तारीख को 54 सीट है, इतना सीट है। और ठीक इसके नीचे आप देख पाएंगे कि प्राइस लिखा हुआ है कि कितना इसका आपको किराया लगेगा, तो 295 रुपये। अब ये 295 रुपये में कैसे कितना कितना क्या क्या चार्जेस लगा है अगर देखना चाहते हैं तो प्राइस वाले ऑप्शन पे आपको टच करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा डिटेल्स। अच्छा अब बैक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए लिखा है लॉगिन एंड बुकिंग नाउ, तो यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे तो आपको एक अकाउंट एक डेट टच करने बोल रहे हैं किसी, हाँ चलिए लॉगिन एंड बुक नाउ। अभी यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा।
तो सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये जो न्यू रजिस्टर यूज़र है यहाँ पे आपको आना है। उसके बाद आप इस तरह जब आप वहाँ टच करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद आपको रजिस्टर यूज़र पे आना है। उसके बाद आपके सामने कुछ फॉर्म खुल जाएगा, इसको आपको फिल करना है। तो बाय द वे दोस्तों मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं अकाउंट नहीं क्रिएट करूँगा, बस मैं आपको पूरा का पूरा होल प्रोसेस यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्या क्या आपको करना होता है। देखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और कुछ पर्सनल आपका क्वेश्चन होगा जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट वाले प्रोसेस में आपको क्या करना होगा कि जो आपके, और हाँ दोस्तों एक बात मैं बता दूँ आपको, आपके पास एक जीमेल का आईडी और आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो जो भी ये जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर देंगे, उस ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा और आपके फ़ोन नंबर पे भी एक ओटीपी आएगा, दोनों को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो जब आप दोनों का ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपका ईमेल आईडी भी और फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है पिन डालने को कहा जाएगा, 4 डिजिट का पिन होता है। तो मैं अभी पिन का प्रोसेस आपको दिखा सकता हूँ, तो मैं पिन का प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं पिन का प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पिन का प्रोसेस दिखा देता हूँ। वेट क्यू क्यू, तो अभी देखिए ये 4 डिजिट का पिन मेरे को क्रिएट करने को कहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में आपको भी वहाँ पे कहेगा जब न्यू अकाउंट जब क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी 4 डिजिट का मैंने पिन क्रिएट कर लिया, अब यही आपका पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, मैंने सबमिट कर लिया, जब आप वहाँ से पिन क्रिएट करेंगे तो आप भी इस जगह पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि हाँ एग्री है, मैं मुझे अब बुकिंग करना है। ओके, आई एग्री। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको डेट वगैरह और कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे फिल करना है। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है ऐड पैसेंजर्स, तो पैसेंजर जितने भी पैसेंजर जाना है, जिनको जिनको भी, आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है। ठीक है, तो सिंपली मान लीजिए कि मुझे ही जाना है, तो मान लीजिए मेरा नाम है एक्स और उसके बाद एज कितना है, तो सपोज़ कीजिए मान लीजिए 30 साल मेरा एज है, मेल। उसके बाद मुझे कौन सा बर्थ चाहिए, कोई प्रेफरेंस है, तो मुझे मान लीजिए मुझे चाहिए लोअर बर्थ। उसके बाद ऐड पैसेंजर, ठीक है, अच्छा आपको नेम में थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, तो मान लीजिए नज़रुद्दीन मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने ऐड पैसेंजर किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़रुद्दीन 30 एज मेल है, लोअर बर्थ मुझे चाहिए। यहाँ पे पूरा डिटेल दिख रहा है, पैसेंजर ऐड हो चुका है। ठीक है, इसके नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह अपना फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एड्रेस में फिल कर लेता हूँ, मान लीजिए कुछ भी एड्रेस मैं यहाँ पर टेम्प्रेरी डाल देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी में, मतलब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वेट। उसके बाद पूरा कंप्लीट हमने यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेते दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आप टिकट का फी फेयर जो है वो कैसे पे करेंगे, भाड़ा। ठीक है, आप नेट बैंकिंग कार्ड के थ्रू करेंगे या फिर भीम या UPI के थ्रू करेंगे। तो मान लीजिए मुझे भीम या UPI के थ्रू करना है या फिर कार्ड के थ्रू करना है, जैसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर कार्ड के थ्रू करना है तो पहले वाले ऑप्शन पर रहने देंगे और उसके बाद हमको नीचे रिव्यू जर्नी डिटेल्स, ठीक है, और इंश्योरेंस आपको करना है क्या, इंश्योरेंस यस या नो कर दो, मान लीजिए यस कर देते हैं, उसका रिव्यू जर्नी। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब ये डिटेल्स दिखाएगा। यहाँ पे एक कैप्चा दिया है, इस कैप्चा को आपको सही सही देख के फिल करना है। ठीक है, FQC3M। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए ये कैप्चा आपको नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से, ठीक है, तो यहाँ पे एक साउंड का ऑप्शन भी है जहाँ से आप सुन सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ने में आ रहा है तो बगल में आपको रिफ्रेश का एक बटन है जिससे आप न्यू आप कैप्चा ले सकते हैं। तो मैंने, मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने फिल कर दिया है, उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, यस करेंगे। अभी यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। अभी ये बोल रहा है सेलेक्ट पेमेंट मेथड, वॉलेट, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। तो देखते हैं वॉलेट में क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। देखिए वॉलेट में इतना चीज़ आपका ऑप्शन, आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। यहाँ पे पेटीएम का भी ऑप्शन है। उसके बाद नीचे आते हैं, उसको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन इसमें आते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, आप पेटीएम, वीज़ा, ये सब बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, जिस तरह से आप चाहें तो वहाँ पे उस तरह से पेटीएम मतलब पे कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे रुपए से, कार्ड से करना है या पेटीएम से करना है, तो इस वाले ऑप्शन पे मैं टच करूँगा, पे 313 रुपये यहाँ पे करना है, और सिंपली आपको यहाँ पे पेटीएम का नंबर जो है वो डाल देना है। तो मान लीजिए मैं डालता हूँ, डाल दिया।
प्रोसीड किया, उसके प्रोसीड करेगा, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। अब जैसे ही वो ओटीपी यहाँ पे आप डालेंगे, मुझे देखिए यहाँ पे कोई टिकट बुक नहीं करना, बस मुझे आप लोगों को एक प्रोसेस सिखाना है और आप भी खुद से यहाँ पे जो है कर सकते हैं। अभी आपके फ़ोन में एक ओटीपी जाएगा, ठीक है, आपको एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी को यहाँ पे डालना है, उस पर आपको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे ओटीपी नहीं आया है, एक मिनट, नंबर गलत है शायद, एक मिनट, नंबर गलत है, ठीक है, मेरा यहाँ पे नंबर, अभी देखिए मेरे फ़ोन में एक ओटीपी आएगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। और जब एक ओटीपी आएगा, देखिए मेरा ओटीपी आ गया इधर, 38 32 39, अब यहाँ वेरीफाई मैं करता हूँ, ठीक है। 319 रुपये मुझे टोटल देना है, जिसमें से 99 रुपये मेरे पेटीएम बैलेंस में है और जो बचा हुआ 220 रुपये है वो काटेगा मेरे मेरे एटीएम कार्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही डाल के सबमिट करेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो यही है दोस्तों प्रोसेस, जहाँ पे आप अपने टिकट को इजीली बुक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों कहीं भी किसी तरह का भी कोई डाउट रह गया होगा आपको समझने में, या फिर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारा का सारा सॉल्यूशन वापस से जो है क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये जो होल प्रोसेस था, इसी प्रोसेस के थ्रू आपको भी रिजर्वेशन करना है या फिर बुकिंग करना है अपने ट्रेन का टिकट का। आई होप दोस्तों ये सारा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो नीचे लिख दो कमेंट्स में। और आज का सवाल दोस्तों आपसे ये है कि क्या कभी आपने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग किया है या फिर नहीं, बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिख दो नीचे कमेंट्स में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।